अस्सलाम वालेकुम डियर दोस्तों, मैं हूं आपके अपना प्यारा दोस्त होस्ट अकील अहमद कड़ो, और वेलकम टू लर्निंग एक्सप्रेस चैनल के एक नए और ज़बरदस्त वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जो हम सबसे रिलेट करती है, ज़्यादातर मुस्लिम से तो बहुत ज़्यादा तरीके रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इस कहानी को मैं बिना किसी देर के शुरू कर रहा हूँ कि काफ़ी वक्त पहले एक इंसान था जो रस्सी पर चलने का बहुत ही शौकीन था। वो मुख्तलिफ जगहों पर जाता और रस्सी पर चलता और लोगों को अपनी इस कलाबाजी से हैरतअंगेज करता। एक बार उसने क्या किया कि दो बड़े टावर्स, जिसे ट्विन टावर्स के नाम से जाना जाता था उस वक्त में अमेरिका में, उस पर गया और उस पर रस्सी बांधी और दोनों तरफ से और खुद चलने लगा। जब लोगों ने देखा कि भाई ये बंदा तो वाकई में कमाल कर रहा है, इतनी ऊंचाई पर बिना किसी मतलब कि देर के बैलेंस के ये घूम रहा है। फिर इसने थोड़ी देर बाद एक जगह से दूसरी जगह बिल्डिंग पर गया, फिर वहाँ से एक लकड़ा उठाया और लकड़ी के सहारे फिर से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर गया। और अब तीसरी बार जब उसने लोगों ने सोचा कि अब ये क्या करेगा, तो उसने एक छोटे से बच्चे को उठाया, उसे कंधे पे बिठाया, फिर लकड़ा उठाया और फिर से उस रस्सी पर एक से दूसरी जगह तक गया। जब वो तीसरी बार गया और बच्चे को लेकर उस बिल्डिंग के उस पार गया, तो सब लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई, वाह वाह बजाई और बहुत खुश हुए। तो बिल्डिंग से जब वो नीचे आया, तब उसने वहाँ से एक चीज़ पूछी जिससे सारे लोग डर गए। उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि क्या तुम सब लोगों को, पहले तो उसने दो सवाल किए। पहला ये कि क्या तुम सब लोगों को लगता है कि ये चीज़ मुश्किल है? सब ने कहा हाँ। तो उसने दूसरा सवाल उनसे किया कि भाई ये बताओ कि भला क्या मेरे लिए ये मुश्किल है? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, तुम आसाम से एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हो। उन्होंने कहा कि क्या तुम सबको यकीन है कि मैं रस्सी पर कहीं भी चल सकता हूँ? सभी ने कहा हाँ। ठीक है, उसने कहा कि क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उस बच्चे को कभी नहीं गिराऊंगा? इस सभी ने कहा, सभी लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल हाँ। इसने कहा कि कौन, अब तुम सब में से मेरे साथ कौन चलना चाहेगा? तो किसी ने हाँ नहीं कहा, सब यकीन कर रहे थे उस पे कि वो किसी को नहीं गिराएगा, सब यकीन कर रहे थे कि वो किसी भी रस्सी पे चल सकता है। पर जब उसने किसी का साथ मांगा उसी रस्सी पे उसी के साथ, सब लोग खामोश हो गए। क्या हमें नहीं पता कि हमारा खुदा हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है? क्या हमें नहीं पता कि कुरान में जो भी कुछ लिखा है वो हमारे लिए ही लिखा गया है? फिर भी हम अपने ईमान को कच्चा मानते हैं, उस खुदा पे यकीन नहीं करते, कई चीज़ों को ऐसे कर देते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये करूँगा ये करूँ, ये नहीं यकीन रखते कि खुदा हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, वही हमें देता है, वही पैदा करता है, बचपन से लेकर अब तक उसी ने ही दिया है, जो किया है। तो सब कुछ जानकर भी मतलब कि हम मुसलमान हैं, हम सब जानते हैं, कुरान पढ़ा है, नमाज़ पढ़ी है, लोगों से सुना है, आलम दीन से सुना है, तालिबों से सुना है, कहीं कितनी जगहों से पढ़ा है, औलियाओं से सुना है, सूफियों से सुना है, फिर भी हमारा ईमान वैसे का वैसा ही है उन लोगों की ही तरह जिन्होंने सब कुछ देखा है, जानते हैं कि ये सब चीज़ सही है, वो कर सकता है, वो करने वाला है, बेशक वो करने वाला है, उसी ने दुनिया जहान बनाई है, वो हमारे लिए सब कुछ खलका है। तो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो हमें गिरने देगा? नहीं, ये सिर्फ हमारे ईमान की कोताही है जो हम उस पर यकीन नहीं रखते, वरना उसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बात बहुत दिल से महसूस की है। आज जो जुम्मे का दिन है, मैंने पूरे व्हाट्सएप स्टेटस पे जितने दोस्त थे सबको ये देखा कि एक दूसरे को जुम्मा मुबारक कहते थे, जुम्मा मुबारक कह रहे थे, सिर्फ जुम्मा मुबारक। लगा ऐसे कि जैसे कि हम दिखावे के मुसलमान हों, एक दूसरे को बताने के लिए कि हाँ भाई मैं भी मुसलमान हूँ, पर मुसलमानों जैसी कोई बात की नहीं कभी हमने। मेरा आप सब लोगों के ये इस बात को काटते हुए मेरा आप सब लोगों से यही कहना है, प्लीज़ खुदा आप यकीन रखें, अल्लाह आप यकीन रखें, अपना जो भी काम है उस पर छोड़ दें, मेहनत करें, यकीन रखें और दूसरों को भी नसीहत दें और नमाज़ पढ़ें। प्लीज़ नमाज़ पढ़ें, नमाज दीन का सुतून है। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।